किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल बेस्ट फार्मिंग विद कृष्णा में। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया वीडियो धान। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय धान में बाल आने का समय है। तो किसान भाई एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि धान पे जब बाल आती है तो हम सोचते हैं बाल आ गई, अब इसमें स्प्रे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, स्प्रे करने की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि बाल जितनी भी समस्याएँ आती हैं वो बाल आने के बाद ही आती हैं। तो जो चीज़ बीमारी हमें आपको दिखती नहीं है, जैसे कि बाल आने के बाद उसमें रस चूसक कीट लगते हैं, जिससे जिसमें जो दूध पड़ता है दाने में, वो दूध वो चूस लेते हैं, जिससे क्या होता है हमारा दाना वो खाली हो जाता है और उसके बाद हमें कितनी पैदावार मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। 30% बाल हमारी के दाने जो हैं वो खाली चले जाते हैं, तो हमारी उससे पैदावार पर बहुत असर पड़ता है। और किसान भाई इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि बाल आने के बाद हमें एक स्प्रे बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या क्या स्प्रे किए हैं। किसान भाइयों, स्प्रे तभी करना है जब हमारे खेत में बाल आना शुरू हो जाए, क्योंकि यदि आप पहले करोगे तो भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, और बाल जब ज़्यादा दिन हो जाए निकले हुए तब भी फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले तो आपको लेना है ये उड़ान कंपनी का फंगीसाइड्स है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, ये दो फंगीसाइड्स हैं, एक तो उड़ान है, एक डियामाइसिन। इन दोनों का फ़ायदा ये रहेगा फंगीसाइड्स का कि बाल आने के समय पे हमारी पौधा जो है, तब तक हमारे पौधे की जड़ें जो हैं गलना शुरू हो जाती हैं, तो उस चीज़ में आपको फ़ायदा मिलेगा। पौधे जड़ गलने से क्या होता है, हमारा पूरा ही लाख जो है इसका धान का जो है सूखना शुरू हो जाता है। तो इन दोनों के स्प्रे से बेनिफिट ये रहेगा कि हमारा जो भी पौधा है वो जो है सूखेगा नहीं। एक तरह से आपको ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि गलने लगा पूरा पौधा बहुत जल्दी। हम सोचते हैं कि हमारा धान जो है पक गया, लेकिन वो दरअसल होता नहीं है। जड़ में फंगस होने की वजह से वो सूखने लगता है। तो इसके लिए आपको इन दोनों को लगाना है। इनकी जगह पर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं फंगीसाइड जो आपके क्षेत्र में अवेलेबल हो, जिस पर आपको भरोसा हो। तो फंगीसाइड बहुत ज़रूरी है बाल आने के बाद। दूसरा, कीटनाशक आपको लगाना है इंसेक्टिसाइड। जैसे मैंने तो ये लिया है ब्लास्ट का, क्योंकि बड़े कीट जो होते हैं टिड्डी वगैरह और तना छेदक की भी समस्या हो सकती है वैसे, तो उसके लिए आपको ब्लास्ट या किसी और ऑप्शन जो आपके पास हो वो लगा लें। इंसेक्टिसाइड बहुत ही ज़रूरी है लगाना, उससे फ़ायदा ये मिलेगा हमारे या तो तने में सूढ़ी हो या बाली पे हो या पत्ती में हो, पत्ती मुड़ जाती है उसमें सूढ़ी हो जाती है, तो उसमें रोकथाम के लिए आप कोई भी इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं। मैं ना किसी कंपनी का प्रचार कर रहा हूँ, जो आपको ठीक लगे, जिसका जिस पर आपको भरोसा हो उसका इस्तेमाल कीजिए आप। मैंने तो ये ब्लास्ट लगाया है। किसान भाई, यदि आप 2 से 3 दवाओं का घोल आप एक साथ बना रहे हैं तो वो एक ही बाल्टी में ना बनाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम एक ही बाल्टी में सभी दवाओं को मिक्स करेंगे तो हो सकता है वो आपस में रिएक्शन करके दवा ख़राब हो जाए। तो जितनी भी प्रकार की आपकी दवाएं हैं वो अलग अलग रखें, और जब आपके टंकी पानी से भर लें उसके बाद उन अलग अलग जो आपने दवा बनाई है उनको अलग अलग डायरेक्ट टंकी में डालें, जिससे फ़ायदा ये रहेगा पानी उसका ज़्यादा होगा, मान लो 15 से 18 लीटर टंकी का पानी होगा, तो वो आपस में दवा जो है रिएक्शन नहीं कर पाएगी, क्योंकि ज़्यादा पानी में जाने के बाद उनकी आपसी रिएक्शन करने की क्रिया जो है घट जाएगी। और आप यदि एक साथ सभी दवाओं को एक ही बाल्टी में मिला लेंगे तो हो सकता है दवा रिएक्शन करके आपस में फट जाए, फिर वो पूरी तरह से काम नहीं करेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, दवाओं को आपस में ना मिलाएं, अलग अलग घोल बना के फिर सीधा उन्हें टंकी में डालें। गर्मी बहुत है साथियों, लेकिन क्या करें। और उसके बाद आपको लगाना है छोटे सूक्ष्म कीटों के लिए, ऐसा सूक्ष्म कीट हमें दिखाई नहीं देते जो हमारे बाल पे होते हैं, लेकिन हमें उन्हें वो हमें प्रतीत नहीं होते। ऐसे ये बाल है, सूक्ष्म कीट हमारी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते और वो धीरे धीरे इसका दूध जो है वो चूसते रहते हैं। तो उसके लिए सूक्ष्म कीटों के लिए हमें लगाना है इमडा क्लोरोपिड।
का स्प्रे करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, इमिडाक्लोप्रोपेट 17.8% SL वाला लगाना है। किसान भाई, दवा का स्प्रे करते समय टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना चाहिए। दवा लगाने का सही समय जो है सुबह 9 बजे से 11, 11:30 बजे के बीच होता है, क्योंकि अगर इस दौरान दवा लगती है तो वह दवा 100% रिजल्ट देती है। आप ज़्यादा सुबह अर्ली लगा दोगे, ज़्यादा सुबह तो ओस ज़्यादा होगी पौधों पे, तो पूरा रिजल्ट नहीं दे पाएगी। या फिर आप शाम के टाइम लगाओगे फिर वो तुरंत ओस पड़नी शुरू हो जाएगी, तो उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, जो आप दवा स्प्रे करोगे फिर दवा पूरा कार्य नहीं कर पाएगी। इसलिए ओस छूटने के बाद 9, 9:30 बजे से 11, 11:30 बजे तक दवा लगाएं तो ज़्यादा फायदा रहेगा। मेन चीज़ जो है उसका आपको ध्यान रखना है, ये है स्टीकर। स्टीकर का काम क्या होता है कि हम किसी भी पौधे पे पंप उसमें पानी भरने के बाद अगर हम इस टंकी में स्टीकर डालते हैं, तो अगर आप ऐसे स्प्रे करेंगे नॉर्मली पौधों पे, तो वो क्या होता है, जैसे हमने स्प्रे किया तो जैसे ही पत्ती पे स्प्रे पड़ता है जो है दवा जो है बह के निकल जाती है, क्योंकि कोई भी पत्ती जो है, जो पत्ती जो होती है उस पर एक लेयर बनी हुई होती है, लेयर पे हम जब स्प्रे मारते हैं तो वो रुकती नहीं है, स्प्रे जो है दवा वो बह के निकल जाती है। और स्टीकर का काम क्या होता है, जो भी आप दवा डालोगे पौधे पे वो पूरी दवा पत्ती जो है अवशोषित करेगी, पत्ती सही या बाल सही पूरी दवा अवशोषित करेगी, दवा जो है बह नहीं पाएगी। आप प्रैक्टिकल करके देखना, ये स्टीकर लिया है मैंने, किसन कंपनी का है, तो आपको स्टीकर कोई भी ले लें आप, 10 ml पर टंकी डालना है। मात्रा की बात यह है, दवा की मात्रा की, जो आपको जो प्रेफर करें मात्रा, जो जिससे आप दवा लें उसी हिसाब से कम ज़्यादा अपने मात्रा लगा सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट ये रहेगा कि आपका जो है धान जो है प्रोडक्शन कहाँ कम होता है, लास्ट टाइम पे जब हम ध्यान नहीं देते, हम सोचते हैं बाल निकल आई अब कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कतें हाइब्रिड धान में आती हैं, अगर आप सरबती लगाते हैं तो उसमें दिक्कतें कम आती हैं, लेकिन हाइब्रिड आप कोई भी कंपनी का करें तो उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो आशा करता हूँ जो भी बातें मैंने बताई वो आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों, मेरा ये नया चैनल है और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे नए आने वाले का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इजाज़त दीजिए, नमस्कार।